हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर पी के प्रभाकर पे आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जैंथोप्रोटिक टेस्ट। ये टेस्ट जैंथोप्रोटिक टेस्ट एक अदर दूसरे तरह का टेस्ट है जो हम करते हैं एमिनोसिड्स के लिए और स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमिनोसिड्स के लिए। अब किस तरह के एमिनोसिड्स करते हैं, तो दिस इज ए टेस्ट फॉर एरोमेटिक एमिनोसिड्स। सो हम ये टेस्ट करते हैं सिर्फ एरोमेटिक एमिनोसिड्स के लिए। अब एमिनोसिड्स क्या होता है, एमिनोसिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज आर एमिनोसिड्स। वो एमिनोसिड्स हम बोलते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एमिनो ग्रुप्स एंड एसिड ग्रुप्स साथ साथ होते हैं। सो दिस इज हैविंग एमिनो ग्रुप्स एंड एसिड ग्रुप्स टुगेदर। दिस इज CH ग्रुप एंड दिस इज अल्फा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन पे एमिनो ग्रुप्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा एमिनोसिड्स। आप जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनोसिड्स के बने होते हैं। एमिनोसिड्स हमारे पास बहुत तरह के एमिनोसिड्स होते हैं, रफली 300 से ज़्यादा तरह के एमिनोसिड्स हमारे बॉडी में होते हैं। बट सारे एमिनोसिड्स को हम यूज नहीं करते प्रोटीन में। प्रोटीन्स बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ 20 डिफरेंट एमिनोसिड्स को यूज करते हैं, और वो 20 डिफरेंट एमिनोसिड्स होते हैं वो सारे अल्फा एमिनोसिड्स होते हैं। अब अगर आप अल्फा एमिनोसिड्स देखेंगे तो सभी में ये ग्रुप्स जो हैं वो बराबर है, सेम है, सिर्फ उनके आर ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। तो हर एक एमिनोसिड्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जो एमिनोसिड्स दिखाते हैं, वो डिपेंड करता है आर ग्रुप्स पे। बिकॉज सभी एमिनोसिड्स अगर इसके कारण रिएक्शन देंगे तो वो तो सेम रिएक्शंस होगा सभी में। जैसे ग्लाइसिन में भी ये सेम है, एलानिन में भी सेम है, फिनाइल एलानिन में भी सेम है। तो ये रिएक्शंस इसके कारण जो देंगे वो सारे एमिनोसिड्स देंगे। बट जिनके आर ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ग्लाइसिन में सिर्फ एच होता है तो वो अलग तरह के रिएक्शंस देंगे, फिनाइलएलानिन में आर ग्रुप्स अलग होते हैं तो अलग तरह के रिएक्शंस देंगे। तो मैक्सिमम रिएक्शंस जो डिफरेंट होते हैं एमिनोसिड्स टू एमिनोसिड्स वो आर ग्रुप्स के कारण ही होते हैं। आर ग्रुप के बेसिस पे एमिनोसिड्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो चार तरह के एमिनोसिड्स होते हैं। पहला होता है नॉन पोलर आर ग्रुप वाले, दूसरा होता है पोलर आर ग्रुप वाले, तीसरा होता है निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले, और चौथा होता है पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले। नॉन पोलर आर ग्रुप्स में नॉर्मली जो होते हैं वो एलिफैटिक चेन्स के बने होते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे यहाँ CH3 CH CH3 CH3। पोलर में होते हैं जहाँ चार्जेबल या इट विल बी आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपने देखा ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन। निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स होते हैं जहाँ एक्स्ट्रा CUH ग्रुप्स होते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, जहाँ आर ग्रुप्स के पास CUH ग्रुप्स एक एक्स्ट्रा होते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स होते हैं जहाँ एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप्स होते हैं, बेसिक होते हैं, जैसे इसमें NH2 ग्रुप्स है, तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब हमारे इंटरेस्ट का जो एमिनोसिड्स है इस केस में वो होता है फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, जिनकी आर ग्रुप्स में एक बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे आगे। अब व्हाट जैंथोप्रोटिक टेस्ट होता क्या है, ये एक टेस्ट है जो हम करते हैं एरोमेटिक एमिनोसिड्स के लिए। एरोमेटिक एमिनोसिड्स होता क्या है, तो वो एमिनोसिड्स जिसमें आर ग्रुप्स में आइदर बेंजीन रिंग हो या फिर बेंजीन रिंग्स के डेरिवेटिव्स हो, उसको हम एरोमेटिक एमिनोसिड्स बोलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास तीन एमिनोसिड्स थे जिसमें बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स थे उनके आर ग्रुप में, वो था फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। जैंथोप्रोटिक वर्ड्स का जो मतलब होता है, वो जैंथोप्रोटिक वर्ड आया है जैंथोस वर्ड से, जो ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो। सो इस रिएक्शंस में हमें जो मिलने वाला है वो येलो कलर मिलने वाला है, उसी के बेसिस पे इसको हम बोलते हैं जैंथोप्रोटिक टेस्ट। इस रिएक्शंस में एरोमेटिक एमिनोसिड्स, सॉरी ये एमिनो होगा, एरोमेटिक एमिनोसिड्स जहाँ भी हो, जिस भी फॉर्म में हो, आइदर वो सिंगल एमिनोसिड्स हो, एमिनोसिड्स अकेले हो, या फिर वो प्रोटीन बनाने के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में हो, या प्रोटीन में हो, सारे एमिनोसिड्स, एरोमेटिक एमिनोसिड्स हमें पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो किसी भी तरह के एमिनोसिड्स किसी भी फॉर्म में, वो पॉजिटिव रिएक्शन आएंगे हमें। इसके बाद इसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफैन मोर प्रेफरेबली हमें पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, वेयर फिनाइलएलानिन जो देते हैं वो नॉर्मली निगेटिव रिजल्ट देते हैं। क्यों देते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। अब एरोमेटिक एमिनोसिड्स होता क्या है, तो एरोमेटिक मैंने बोल दिया, एरोमेटिक एमिनोसिड्स वो एमिनोसिड्स होते हैं जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स आर ग्रुप्स में होते हैं। हमारे पास ये तीन एमिनोसिड्स हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, जिनके आर ग्रुप्स जो आप सर्कल में देख रहे हैं घेरे में, वो आर ग्रुप्स हैं उनका, और ये आर ग्रुप्स जो होता है बेंजीन रिंग होता है। ये एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। तीनों के बेंजीन रिंग अगर आप देखेंगे गौर से, तो ये बेंजीन रिंग में कोई भी चीज़ें एडेड नहीं है,
ये नॉर्मली एक सिंपल बेंजीन रिंग है, एलिफेटिक चेन है जो नॉन रिएक्टिव है, वेयर एज ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग रिएक्टिव बेंजीन रिंग है, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है। इसीलिए ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शंस, ये जो है नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है इसीलिए ये निगेटिव रिएक्शन देते हैं। इस टेस्ट की प्रिंसिपल जो क्या क्या है, कि नॉर्मली बेंजीन रिंग का एक प्रॉपर्टीज होता है एरोमेटिक अमीनोसिड्स का, कि जब भी आप बेंजीन रिंग को गर्म करेंगे एसिडिक कंडीशंस में नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड NO2 ग्रुप्स ऐड करेगा उसके बेंजीन रिंग पे, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शंस। सो हमको जो मिलता है वो मिलता है नाइट्रो प्रोडक्ट, नाइट्रो डेरिवेटिव्स, नाइट्रो बेंजीन आप बोल सकते हैं, और नाइट्रो बेंजीन का कलर जो होता है वो येलो होता है। तो अगर हमारे पास एक एमिनो एसिड है जिसमें बेंजीन रिंग है, उसको हम गर्म कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग जो होगा नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेटेड डेरिवेटिव्स बनेगा, और नाइट्रो बेंजीन जो होगा उसका कलर येलो होगा। इसीलिए जहाँ भी हमें बेंजीन रिंग वाले एमिनो एसिड्स होंगे वो हमें येलो कलर देंगे। अब टायरोसिन ट्रिप्टोफैन के पास जो होता है वो बेंजीन रिंग जो होता है वो एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग होता है, इसीलिए ये हमें पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं। जबकि फिनाइलएलानिन का जो बेंजीन रिंग होता है वो नॉन एक्टिवेटेड होता है, इसीलिए हमें वो निगेटिव रिजल्ट देते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन होता क्या है, ये एक नॉर्मल बेंजीन रिंग है जिसको हम गर्म कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ एसिडिक कंडीशंस में, तो ये हमें नाइट्रो बेंजीन बना जिसका कलर हमें होता है येलो, और इसी येलो कलर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा अमीनो एसिड्स है टायरोसिन, जिसको हम गर्म कर रहे हैं, सेम रिएक्शन हम कर रहे हैं टायरोसिन को एसिडिक कंडीशन में। यहाँ हम अलग से एसिडिक कंडीशन सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं कर रहे हैं, हमारा नाइट्रिक एसिड ही एसिडिक कंडीशन भी प्रोवाइड कर रहा है और नाइट्रिक एसिड ही NO2 ग्रुप भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन हो रहा है और इसका कलर हमें बनेगा येलो, तो हमें यहाँ नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन मिला। तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया कि टायरोसिन को हम गर्म कर रहे हैं विथ नाइट्रिक एसिड एंड वी आर गेटिंग ए नाइट्रो डेरिवेटिव दैट इज येलो इन कलर। सिमिलरली ट्रिप्टोफान में भी अगर हम ट्रिप्टोफान को हॉट करेंगे, हीट करेंगे विद द नाइट्रिक एसिड, तो हमें एक नाइट्रो डेरिवेटिव्स बनेंगे, दोनों का कलर होगा येलो। जबकि अगर हम फिनाइल एलानिन के केस में जहाँ ये बेंजीन रिंग नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है वो रिएक्ट नहीं करता है, वहाँ नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होता है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होगा तो हमें नाइट्रो डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। अगर हमें नाइट्रो डेरिवेटिव नहीं मिल रहा तो हमें येलो कलर का प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ निगेटिव रिजल्ट आती है। अब इस रिएक्शंस को करने के लिए हमें जो चाहिए, हमें एक टेस्ट सैंपल चाहिए होता है, वो हमें प्रोटीन हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकता है, फिर हमें चाहिए नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 40-40%, डिस्टिल वाटर, वाटर बाथ, ड्राई टेस्ट ट्यूब्स एंड पाइपेट्स। अब टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, एक हमारा टेस्ट वाले के लिए होगा, एक हमारा कंट्रोल के लिए होगा। टेस्ट में हम 2 ml टेस्ट सैंपल डालेंगे, टेस्ट सैंपल हमारा प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन का सॉल्यूशन हो सकता है, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है। कंट्रोल में हम डिस्टिल वाटर डालेंगे 2 ml। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम 1-1 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, तो हमें 3 ml इसमें हो गया, 3 ml इसमें हो गया। दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम मिक्स करेंगे और इसको गर्म करेंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट गर्म करने के बाद इसको हम रनिंग वाटर में, टैप वाटर में कूल ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसके कलर को ऑब्जर्व करना है। अगर हमारे टेस्ट सैंपल में, बिकॉज इसमें तो डिस्टिल वाटर था, इसमें कोई कलर डेवलप होगा नहीं, निगेटिव रिजल्ट आएगा, तो ये क्लियर सॉल्यूशन होगा। हमारे टेस्ट सैंपल में अगर हमारा कलर डेवलप, अगर हमें येलो कलर मिलता है, इट मीन्स हम गेस कर सकते हैं कि इसमें हमें अमीनो एसिड्स टायरोसिन या ट्रिप्टोफान या फिर वो प्रोटीन जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान है वो अवेलेबल है। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, उस में हम डालेंगे कुछ ड्रॉप्स 40% NaOH का। अगर NaOH के डालने से येलो कलर का कन्वर्ट हो जाता है ऑरेंज में, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें हमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान या फिर प्रोटीन विथ टायरोसिन ट्रिप्टोफान था। अब ये NaOH डालने से ऑरेंज क्यों हुआ, बिकॉज NaOH अल्कलाइन कंडीशन करेगा और अल्कलाइन कंडीशंस में वो हमें चार्ज फॉर्म देगा, आयनाइजेबल फॉर्म्स देगा नाइट्रो डेरिवेटिव्स का, तो आयनाइज फॉर्म ऑफ नाइट्रो डेरिवेटिव्स विल हैव ए ऑरेंज कलर, इसीलिए हमें यहाँ ऑरेंज कलर मिलता है, तो हमें कंफर्म होते हैं कि यहाँ टायरोसिन ट्रिप्टोफैन अवेलेबल था। सो ये हमारा रिजल्ट होगा लास्ट में, जहाँ यह क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा तो ये हमारा निगेटिव टेस्ट होगा, निगेटिव रिजल्ट होगा, जहाँ हमने वाटर के लिए साथ किया था।
अगर हमारे पास कोई प्रोटीन्स हैं जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान हो या फिर सिर्फ एमिनो एसिड्स हो, तुम्हें ऑरेंज कलर एंड येलो कलर मिलेगा। ऑरेंज येलो कलर विदाउट एनओएच एंड ऑरेंज कलर विथ एडिशन ऑफ 40% एनओएच। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करना चाहिए। पहला, ये टेस्ट जो है सिर्फ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में भी प्रेफरेबली इट विल बी गिवन बाय टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान ओनली, बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। इट इज नॉट गिवन बाय फिनाइल एलानिन, बिकॉज फिनाइल एलानिन के पास जो है एक्टिवेटेड नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन होता है, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग का अभाव होता है। प्लस टायरोसिन ट्रिप्टोफान जो होता है वो मोल ज़्यादा पोलर कंपाउंड्स होते हैं कंपेयर टू फिनाइल एलानिन, इसीलिए टायरोसिन ट्रिप्टोफान इजीली देते हैं रिएक्शन, फिनाइल एलानिन नहीं देते हैं, निगेटिव देते हैं। अगर हमारे स्किन पे नाइट्रिक एसिड गिर जाता है तो हमारा स्किन का कलर येलो हो जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे स्किन में प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स में टायरोसिन ट्रिप्टोफान होते हैं। जब नाइट्रिक एसिड गिरा हमारे स्किन पे तो हमारा वो प्रोटीन जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान है उसने नाइट्रेशन रिएक्शन वहाँ हुआ और नाइट्रेशन रिएक्शन के कारण हमें नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बना जिसका कलर होता है येलो। तो नाइट्रिक एसिड गिरने के बाद स्किन का कलर येलो हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये एक लाइफ टू लाइफ का एग्जाम्पल हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।